या लेट्स स्टार्ट विद दिस Yeah, so for today we will be learning how to create an Instagram profile. Let's get started. Is my screen visible? Is my screen visible to everyone? Please raise your hand or put yes in the chat section. Okay. सो आर टॉपिक फॉर टुडे इज इंस्टाग्राम. तो बेसिकली मैंने जस्ट इंस्टाग्राम का ऐप डाउनलोड करके उसको ओपन किया है. अब हम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे. ठीक है, आप जब भी इंस्टाग्राम ओपन करते हैं मेन पे ही आ जाता है लॉग इन एंड साइनअप का. तो हम साइन अप करेंगे. अगर किसी भी पॉइंट पे मेरी वेबसाइट मेरी स्क्रीन शो ना हो तो डू लेट मी नो, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज होती है, स्क्रीन शेयरिंग में शो ही नहीं होगा कि मतलब मुझे पता नहीं चलेगा मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है, जस्ट एक ब्लैंक आ जाता है ब्लैक कलर का. जब मंदिर के अंदर थी ये थोड़ी दिखाया था किसके साथ गई है कौन गया है. तो नॉर्मली हम क्लिक करते हैं. अब ये अकाउंट ऐड अकाउंट, बिकॉज मेरा ऑलरेडी अकाउंट लॉग इन है तो मैं या तो मैं एग्जिस्टिंग कर सकती हूँ कि सिर्फ मुझे लॉग इन करनी है मेरी प्रोफाइल. इफ आई वांट टू क्रिएट एनी अदर अकाउंट तो मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करूंगी एंड वी कैन सिंपली क्रिएट अ न्यू अकाउंट बाय क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन. तो यूजर नेम हम पुट करते हैं यहाँ पे. वी कैन पुट एनी यूजर नेम. तो आपको यूजर नेम स्पेसिफिक रहना है. लेट्स से मेरा अगर जो भी बिजनेस है हमें थोड़ा उससे रिलेटेड डालना होता है. मेरा अगर डिजिटल मार्केटिंग का है तो मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ डिजिटल डिजिटलाइज विद इशिका. तो ये थोड़ा यूनिक भी हो जाएगा एंड ये हमें फाइंड आउट भी करना होता है. जैसे कुछ यूजर नेम नहीं मिलते, मैंने डिजिटलाइज विद लिखा एंड अंडरस्कोर डाल के ये वाला अवेलेबल है तो ग्रीन टेक आ गया. अगर मैं सिर्फ इसकी जगह इशिका लिखती तो ज़रूरी नहीं ये अवेलेबल होता, क्योंकि ऑलरेडी यूजर नेम कभी भी डबल नहीं हो सकते एज लाइक यूट्यूब. बट हमारा जो नेम्स है जैसे मैंने इशिका लिखा इट्स नॉट अवेलेबल. तो मेरे को यहाँ पे मैं चेंज कर सकती हूँ डिजिटलाइज विद इशिका underscore and next. उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि मुझे इनके इनके साथ मेरा अकाउंट लिंक अप करना है या नहीं करना. मैं इसको नॉट कर दूंगी, नॉट यू. एंड पासवर्ड जनरेट करेंगे हम यहाँ पे एक एंड रिमेम्बर पासवर्ड पे क्लिक करके इसको मैं क्रॉस कर यहाँ पे नंबर पुटअप कर दूंगी. इधर नंबर और ईमेल एड्रेस हमें एक चीज यहाँ मेंशन करनी होती है टू कंटिन्यू एंड कंप्लीट साइन अप. ओके, योर सेम एज योर फोन नंबर. प्लीज क्रिएट अ न्यू वन. वी हैव टू क्रिएट अ न्यू पासवर्ड. गो बैक. जो मेरा फ़ोन नंबर है और मेरा पासवर्ड है वो उसका मतलब लाइक मैंने अपने फ़ोन नंबर डाल दिया था तो वो सेम नहीं हो सकते थे, इसलिए वहाँ पे वो एरर शो कर दिया. तो इस चीज़ में भी आपको ध्यान रखना है. ये मैंने अभी रैंडम अकाउंट है, मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं है, इसलिए इसमें कॉमन सा ऐसे ही एक पासवर्ड डाल दिया है. बट द रियल पासवर्ड और एक एक्यूरेट पासवर्ड आपका कैसे क्रिएट होता है प्लीज़ नोट डाउन कि उसमें आपका एक बिग अल्फाबेट होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक सिंबल होना चाहिए लाइक हैशटैग अंडरस्कोर एनीथिंग और एक सिंबल हो गया और इन सबका टोटल.
एट होना चाहिए। जैसे मैं एक पासवर्ड जनरेट कर सकती हूँ, सी सी बड़ा कैपिटल, फिर HETNA चेतना, अंडरस्कोर 11, या कोई भी नंबर डाल दिया, 9 डाल दिया, कोई भी नंबर यहाँ पे ऐड ऑन करके, एंड वी आर गुड टू गो। तो एक सिंबल हो गया, एक नंबर हो गया, मेरा कैपिटल लेटर भी हो गया, स्मॉल लेटर भी हो गया, एंड टोटल 18 भी हो गया, और 8 हो गया जिसका कैरेक्टर काउंट है। ठीक है, आगे स्क्रॉल करेंगे। एंड ये हमारा नॉर्मल अकाउंट क्रिएट हुआ है, ये प्राइवेट अकाउंट है और इसमें नॉर्मल कोई भी रैंडम वीडियो शो हो रही है। अगर हम नेम प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड वी वाना एडिट द थिंग्स, तो सबसे पहले हम एडिट प्रोफाइल करेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें हम यहाँ से सेटअप करेंगे एंड बेसिक सेटअप के बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंटू बिजनेस और प्रोफेशनल अकाउंट। नॉट नाउ, नेम हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ से, यूजर नेम एंड बायो। बायो में आप थोड़ा सा क्रिएटिव ऐड करेंगे तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। डिजिटलाइज योर बिजनेस विद डिजिटल मार्केटिंग विद सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग कोच इशिका जे। ठीक है, ये हमने लाइन डाल दी। अब ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें मैं थोड़ा एक दो स्टिकर्स लगा सकती हूँ, ऐसे चीज़ें ऐड कर सकती हूँ। एक लिमिटेशन होती है, मैं इसको जैसे अभी कट करती हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम 150 कैरेक्टर्स की लिमिटेशन है। अब आप देखो मैंने इतनी लाइन पेस्ट कर दी तो यहाँ पे 73 कैरेक्टर्स लेफ्ट ओवर हैं। अब मैं ऐट द रेट अपना मेन अकाउंट मैंशन कर दूँगी, हैशटैग डिजिटलाइजेशन। तो ये थोड़ा सा मैंने क्रिएटिविटी ऐड करके एंड आई एम गुड टू गो। उसके बाद आता है लिंक ऐड करना। लिंक्स आप ऐड कर सकते हो, एक्सटर्नल लिंक, कोई भी, आपको इंस्टाग्राम का लिंक मेंशन करना है, वेबसाइट का करना है। यूआरएल हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, https // let's copy a link एक नॉर्मल कोई भी लिंक कॉपी करके मैं यहाँ पे बस पुट कर रही हूँ। आप इसमें स्पेसिफिक लिंक पुट अप करेंगे जो भी लिंक आपको सेटअप करना है। पेस्ट, एंड यहाँ पे मैं टाइटल पुट कर देती हूँ वेबसाइट का। ठीक, अब यहाँ पे हम फेसबुक का लिंक भी पुटअप कर सकते हैं। जो भी लिंक पुट करने हैं, एक्सटर्नल लिंक्स में आप वेबसाइट्स एंड ऑल डाल सकते हो, और फेसबुक के लिंक में आप नॉर्मली क्लिक करेंगे अपनी फेसबुक का लिंक ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से अपनी फेसबुक कनेक्ट करेंगे एंड फेसबुक कनेक्ट करके आप इसमें लिंक पुटअप कर सकते हैं। सो इसमें हम फेसबुक का लिंक पुट अप कर सकते हैं अपना।
वॉट एवर लिंक वी वॉन्ट टू पुट एंड लॉग इन करना होगा. फेसबुक हमारी कनेक्ट हो जाएगी डायरेक्टली इसी से. जेंडर आप स्पेसिफिक कर सकते हो, आपको यहाँ पे मेल डालना है, फीमेल डालना है कस्टम. तो जो भी आपका जेंडर है वो हमने पुटअप कर दिया एंड वी आर गुड टू गो. अब इसको हम सेव कर देंगे. और उससे पहले अगर आप प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहते हो, प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हो. तो प्रोफाइल पिक्चर हम कभी भी ऐड कर सकते हैं. आई गेस वो प्रोफाइल पिक्चर में ना हैंग हो रहा थोड़ा. तो बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस, ये जो आइकन बना हुआ है टॉप में, तो दो एक अवतार का ऑप्शन है और एडिट पिक्चर का. इस पर आप क्लिक करेंगे, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी. जो भी पिक्चर सेट करनी है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो. अगर इसमें आपको कोई इशू आएगा क्लास के बाद प्रैक्टिस करने में, आप उनसे कल क्लियर कर लेना. हम इसको लैपटॉप से एडिट कर लेंगे. फिर हम टिक पे क्लिक करते हैं. ये हमारा इतना पोर्शन हो गया. इसके बाद हम आगे का प्रोसीजर करते हैं. इसी अकाउंट को हम प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे हमारा मेन अकाउंट क्रिएट हो गया है. नेम सबसे टॉप पे यूज़र नेम है, फिर नेम, फिर हमारा और बायो, एंड देन हमारा जो हैशटैग और यूज़र नेम हमने एक मेंशन किया था वो. शेयर करनी है प्रोफाइल, यहाँ से क्लिक करके आप शेयर कर सकते हो. क्रॉस इस पर क्लिक किया, नीचे डिस्कवर पीपल आ गया, इस पर ऑफ कर दिया. एडिट प्रोफाइल, स्क्रॉल, स्विच टू प्रोफेशनल प्रोफाइल, कंटिन्यू 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 कंटिन्यू. एंड जो भी आपको कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट करनी है कर सकते हो. यहाँ पे लिमिटेड शो हो रही है, यहाँ कोच नहीं शो हो रहा, तो मैं कोच टाइप करूँगी. कोच डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल करना है, डिस्प्ले कर दो प्रोफाइल पे. ये अच्छा ऑप्शन है अपनी कैटेगरी शो करने का, लाइक ये आपको ऑन रखना चाहिए. आफ्टर दिस वी हैव अ टू ऑप्शन. अगर आप क्रिएटर हो तो आप क्रिएटर पे क्लिक कर सकते हो. लाइक इसमें पब्लिक फिगर, कंटेंट प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट एंड इन्फ्लुएंसर्स आते हैं. सेकंड में रिटेलर्स, लोकल बिजनेस, ब्रांड्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं. जो मेरी कैटेगरी है वो बिजनेस में आएगी, आपकी क्रिएटर में आएगी. तो अभी के लिए हम लाइक जो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है दैट इज़ अप टू यू. दोनों ऑलमोस्ट सेम है. तो अभी हम क्रिएटर पर क्लिक करते हैं और बिजनेस डजेंट मैटर दैट मच. बस थोड़ा सा प्रोफाइल जो आपकी है उसकी रीच डिफरेंट हो जाती है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हो. तो मैं क्रिएटर करती हूँ एंड नेक्स्ट. ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट योर प्रोफाइल, कंप्लीट योर प्रोफाइल. तो कंप्लीट योर प्रोफाइल में हमारी डन है. प्रोफाइल फोटो लगा लेंगे एंड वी आर गुड. टिक पे क्लिक कर देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा. क्रॉस कर देते हैं. फिर आता है गेट इंस्पायर्ड. आप दो तीन लोगों को फॉलो कर लो और उसके बाद हम बैक कर देंगे क्लिक करके. तो ये चेकलिस्ट है 5 पॉइंट्स की, ये आपको क्लिक करनी है स्टार्टिंग में क्लियर. इसके बाद आप जैसे ग्रो योर ऑडियंस है, ग्रो योर ऑडियंस में आप अपनी जो ये वाली प्रोफाइल है इसका जो लिंक है वो व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू अपने यूजर्स या अपने फ्रेंड्स को जिनका भी कॉन्टैक्ट है आपके पास उनको शेयर कर सकते हो. इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, क्रिएट पोस्ट. अब हमें यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करनी होगी एक.
ये ब्लैंक फोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इसको हम डन करेंगे। आप मैक्सिमम 10 फोटोज एक साथ इसमें सेलेक्ट कर सकते हो एंड पोस्ट कर सकते हो। मैं इसको ओके करूंगी रिमिक्स, एंड एक कैप्शन लिखेंगे वेलकम टू द डिजिटल कम्युनिटी। जो भी आपको यहाँ पे कैप्शन डालना है ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, जो आप डालना चाहते हो वो डालो। कैप्शन के बिना पोस्ट डालते हैं तो इतनी अच्छी आउटरीच नहीं पड़ती। एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए वी हैव टू पोस्ट पुट सम कैप्शन ओवर है, क्लिक करेंगे नीचे। अब हम लगाएंगे हैशटैग, ठीक है। हैशटैग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोफाइल के लिए। आप देखो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स भी हैशटैग्स लगाते हैं, कभी कभी किसी पोस्ट में नहीं लगाया, दैट इज़ डिफरेंट। तो किसी भी एक्टर्स की या फिर एक्ट्रेस की प्रोफाइल खोलो, उनकी प्रोफाइल में भी हैशटैग्स लगे होते हैं। तो हैशटैग लगाएंगे। अब इन्हें सेलेक्ट कैसे करना है, तो इनका क्राइटेरिया होता है, एक हो गया मेरी प्रोफाइल का नेम डिजिटलाइजेशन विद इशिका, एंड या इसमें स्पेस कर दें क्योंकि अभी तक ये वाला हैशटैग नहीं बना, इसीलिए हमें खुद सेलेक्ट करना। फिर हैशटैग आ गया इशिका जैन, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके बिना भी आप ऐसे डाल सकते थे क्योंकि ये न्यू हैशटैग है। फिर अब हमें सेलेक्ट करनी है, और एक क्राइटेरिया होता है जितना हमारा, जैसे जब तक 500 फॉलोअर्स नहीं हो जाते, 500 की लिमिट लेके चल रहे हैं, फिर आप डबल अप कर लेना टिल 500 फॉलोअर्स, जो हमारी हैशटैग की लिमिट होगी। से मैं यहाँ पे डिजिटल सर्च किया, इसके आगे नंबर ऑफ पोस्ट लिखा है डिजिटल मार्केटिंग के आगे, डिजिटल के आगे, तो हम डिजिटल आर्ट के आगे देखते हैं। तो अराउंड 13 करोड़ पोस्ट है, ठीक है था। तो हमें ये सेलेक्ट नहीं करना, डिजिटल के आगे भी बहुत सारी पोस्ट हैं। आप इसको स्क्रॉल करते रहो, एक नंबर आएगा जो बहुत कम आएगा, 50,000 तक का जो नंबर आएगा, मैक्सिमम 50,000 जिस पे होगा नंबर, लेट्स से। और स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर डिजिटल कलर पे 4 लाख है, और स्क्रॉल करेंगे। अगर आपको इसमें से मिल जाता है यू आर गुड टू गो, नहीं तो आप लिख सकते हो डिजिटलाइज, इसको टर्म को और इंक्रीज कर दो। डिजिटलाइजेशन में 96,000 है, इसको हम फिर भी एक ऑप्शन में सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमें यहाँ पे एटलीस्ट लिमिट बोल रही हूँ, मैक्सिमम 30 होता है, बट एटलीस्ट जब एक पेज स्टार्ट कर रहे हो 20 हैशटैग डालना कंपलसरी समझो, ठीक है। अब ये नहीं कि आपने एक हैशटैग व्हाट्सएप पे टाइप करके रख लिए या नोटपैड में टाइप करके रख लिए, उन्हीं उसी एक मैसेज को बार बार पेस्ट कर रहे हो, बार बार एक ही हैशटैग का मतलब पेस्ट नहीं कर सकते मैसेज बना के। एक इसको बोलते हैं बैच क्रिएशन, 5 to 6 बैचेस बना लो हैशटैग्स के और उनको पेस्ट कर सकते हो। लाइक जैसे यहाँ पे मैं 20 हैशटैग सेलेक्ट करूँगी, इनको कॉपी करके व्हाट्सएप पे सेंड कर लूँगी किसी को भी, जिसको मैं बाद में एक एज अ मैसेज और बाद में यहाँ पेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसे 20-20 हैशटैग के 5 बैचेस बनाने हैं, 1-2 कॉमन होंगे डिजिटलाइजेशन विद इशिका जैन, और बाकी सारे न्यू होंगे। 2 होंगे कंट्री स्पेसिफिक, 2 होंगे सिटी स्पेसिफिक। कंट्री स्पेसिफिक एज इन डिजिटलाइजेशन इंडिया, इंडिया डिजिटलाइजेशन, भारत भी लिख सकते हैं, जैसे भारत काफ़ी ट्रेंडिंग में है, भारत डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन भारत, ठीक है। ऐसे हो गए कंट्री वाइज। फिर आते हैं सिटी स्पेसिफिक, डिजिटलाइजेशन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग दिल्ली, दिल्ली डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली। तो बाद में और एक पहले और एक बाद में, ऐसे तरह से आपको 2 सिटी स्पेसिफिक लगाने हैं, 2 कंट्री स्पेसिफिक लगाने हैं। सेकंड, जो कंट्री स्पेसिफिक है आप कभी हर पोस्ट में कंट्री भी स्विचेस कर सकते हो और सिटी भी स्विच कर सकते हो हर पोस्ट में, ठीक है। उससे आपकी आउटरीच बहुत अच्छी इंक्रीज रहेगी। तो इस तरह से आपको यहाँ हैशटैग्स लगाने हैं। हैशटैग्स में कोई क्वेश्चन है किसी को? Any questions in hashtags? Okay, so let's continue. उसके बाद ऑप्शन मैक्सिमम 30 हैशटैग्स लगा सकते हैं, एक दिन में एक ही पोस्ट करना है, ये नहीं कि बहुत सारा भर दो। उसके
सॉरी फॉर द इशू, आई रियली डिडंट नो कि मेरा कब स्क्रीन लेफ्ट हो गया, और आई एम स्टिल एक्सप्लेनिंग. कैन एनी वन प्लीज टेल मी वेयर वर वी जब हमारा लाइक स्क्रीन ये कट ऑफ हुआ? एनी वन? लाइक कितने देर से आपको समझ नहीं आ रहा है किस प्रोसीजर पे थे हम? ओके व्यूअर्स, जो मैंने हैशटैग्स एक्सप्लेन करने के लिए ओपन किया था, ओ माय गॉड, सो सॉरी, आई होप यू विल अंडरस्टैंड माय पॉइंट. ओके ओके, नॉर्मली मैंने हैशटैग्स पे क्लिक किया था, मैं एडिट कर लेती हूँ उसको. एडिट पे क्लिक करेंगे, हैशटैग्स मैंने फाइंड आउट कर लिए थे और इसको मैंने टिक कर दिया था, नॉर्मली पोस्ट कर दिया था. टैग पीपल पे आप क्लिक कर सकते हो. मैंने एक पोस्ट क्रिएट करी है, पोस्ट को जैसे ही पोस्ट को 1 आवर के विद इन 1 आवर जब भी पोस्ट करो. कभी कभी हम स्केड्यूल कर देते हैं इंस्टाग्राम की पोस्ट व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू, तो क्या होता है विद इन 1 आवर हमें अपनी पोस्ट को रीशेयर करना होता है ऑन आर स्टोरीज. ठीक है, स्टोरी पे रीशेयर करना होता है, ये फर्स्ट टिप हो गया. इससे आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी ग्रो करेगी. इसके बाद मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ जिससे आपकी प्रोफाइल ग्रो करेगी. ये सभी मैंने प्रैक्टिकल, ठीक है, ये हम प्रैक्टिकल करते हैं. नॉर्मली जो हमारी फील्ड है, ठीक है, उसी फील्ड को हम सर्च करेंगे, डिजिटलाइजेशन, या डिजिटल भी लिख सकते हो, जो भी लिखना है आप उसको लिख सकते हो. मैं डिजिटल लिखती हूँ. जो भी प्रोफाइल आपको मिल रही है, जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग पवन की मिली है, पवन कुमार की, इनके 127 फॉलोअर्स है. इनकी पहली पोस्ट पे जाना है, पोस्ट में लाइक्स हैं जितने, लाइक्स पे क्लिक करना है एंड डायरेक्टली इन लोगों को आप फॉलो कर सकते हो. ठीक है, रोज आपको 10 लोगों को फॉलो करना है, अगले दिन उन्हें अनफॉलो कर देना है. ऐसे करने के बाद कुछ दिन फॉलो एंड अनफॉलो करना है एंड Why it is creating issues? तो इस ये वाला जो मैंने प्रोसीजर बताया, आप कोई भी अपने कंपटीशन का, मैं डिजिटल मार्केटिंग का बोल रही हूँ, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट का जैसे आपके 0 फॉलोअर हैं, तो जिस भी मेकअप आर्टिस्ट के मैक्सिमम 1000 फॉलोअर्स हैं अपने कंपटीशन में, उसको रखो टिल योर 500 फॉलोअर्स. ठीक है, उनके हाफ फॉलोअर्स होने के बाद जब आपके 500 फॉलोअर्स हो जाए, तो जो मेकअप आर्टिस्ट नेक्स्ट कॉम्पिटिशन फाइंड आउट करो जिसके 2000 फॉलोअर हैं. ठीक है, जब आपके 1500 फॉलोअर्स हो जाए, तो उसके बाद 3000 वाली पर्सन को फाइंड आउट कर लो. तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो आप अपना आउटरीच. अभी मैंने मेकअप आर्टिस्ट फाइंड आउट किया जिसके 1000 फॉलोअर्स है, उन पर्सन को फाइंड आउट किया. फाइंड आउट करने के बाद व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं उनके पहली पोस्ट जो उन्होंने विद इन 2 डेज डाली होगी, ठीक है, बहुत पुरानी पोस्ट नहीं होनी चाहिए, विद इन 1 or 2 डेज पोस्ट को सेलेक्ट करना है, उनके लाइक्स में जाना है, लाइक्स को वाले जो पर्सन होंगे उनको सबको फॉलो करना है. मैक्सिमम 10 लोगों को फॉलो करना है, नहीं तो आपका चैनल बैन हो सकता है. इसमें मेरी कोई वार्निंग, इसको मेरी ओपन वार्निंग है, कोई ऐसा नहीं है कि मेरा, मैं आपको गारंटी देती हूँ पेज ना बैन हो. ठीक है, सिर्फ 10 लोगों को फॉलो करना है, इसमें एक लिमिटेशन सेट करके रखनी है. आज 10 लोगों को फॉलो करा, कल उन्हें अनफॉलो कर दो. ये आपको फॉर द नेक्स्ट 8 डेज करना है. उसके बाद फॉर 1 मंथ आपको रोज 10 लोगों को सुबह फॉलो करना है, रात को अनफॉलो करना है. इस तरह से आपका 1 मंथ में, विद इन 1 मंथ आप 500 फॉलोअर्स इजीली ग्रो कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं आएगी. सेकंड, पोस्टिंग का कैसे स्केड्यूल होता है, इसमें 7 डेज होते हैं वीक में, 2 रील्स डालनी है. जैसे एक रील आप डालोगे मंडे को, तो एक डालोगे थर्सडे को, 2 दिन का गैप होना चाहिए. थर्सडे के बाद फ्राइडे सैटरडे संडे छोड़ के फिर मंडे को डाल दो. 2 दिन के बाद रील्स डालनी है, रील्स डाल दी. लेकिन एक IGTV वीडियो डालो. IGTV वीडियो क्या होती है, जिसका 60 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम होता है वो एक IGTV वीडियो होती है. ठीक है, तो आपको ऐसी एक IGTV अगर डालना चाहते हो तो IGTV स्किप भी कर सकते हो, बट रील्स स्किप नहीं कर सकते. उसके बाद एक सेकंड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप होगा एक करसल.
वन पोस्ट का जो होती है इमेज, वन इमेज पोस्ट करना, दैट इज सिंपल पोस्ट। उसके बाद होता है कैरोसेल, 2 से 10 तक, दो दो पोस्ट एक साथ डालना या 10 पोस्ट डालना मैक्सिमम, उसको बोलेंगे कैरोसेल। वो हम पोस्ट कर सकते हैं विद अ गुड कैप्शन एंड हैशटैग्स वगैरह लगा के, तो ये हमारी एक पोस्ट सेट हो जाएगी कैरोसेल की। एक कैरोसेल हो गया, दो रील्स हो गई और एक IGTV वीडियो हो गई, ये 4 ऑप्शंस हो गए। 4 के बाद 3 डेज लेफ्ट रहते हैं, उन 3 दिन में आपको एक सिंगल पिक्चर वाली फ़ोटो डालनी है। 7 डेज रोज एक पोस्ट डालनी है। अब इसको एटलीस्ट 6 मंथ्स ज़रूर ट्राई करना, 90 डेज या 180 डेज ज़रूर ट्राई करना है। आफ्टर दैट आपकी स्टोरीज पे एटलीस्ट 4 स्टोरीज डेली पोस्ट होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा स्टोरीज का पार्ट हो गया। तो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। इसके बाद अगर आपको कोई क्वेरी है, आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। एनी क्वेरीज रिगार्डिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक और एनी पेज? यस नम्रता, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, हाँ जी, हाँ, ये प्लीज रिपीट करेंगे आप, 7 डेज तक क्या पोस्ट डालना है? मीन्स ऑल्टरनेट डेज आपने बताया रील्स डालना है, सॉरी दो डेज नहीं डालना है, बीच में 2 दिन का गैप लेना है। जैसे मंडे से मंडे को डाला तो उसके बाद आप थर्सडे को डालेंगे। अच्छा, एक डालना है IGTV वीडियो। IGTV वीडियो होती है 60 सेकंड से लॉन्ग वीडियो, 60 सेकंड तक का वीडियो जो होता है वो रील्स में आता है। उसके बाद जब अगर आपने डाला 1 मिनट 10 सेकंड का वीडियो, ठीक है, तो 70 सेकंड का वीडियो वो आपका IGTV में जाएगा, ठीक है। वो एक वीडियो वो डालना, एक आपको पोस्ट बनानी है जिसमें आप मोर देन 2 फोटो सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अच्छा, उसे हम बोलते हैं कैरोसेल, ठीक है। फिर ये हमारा 4 चीजें हो गई। 4 के बाद 3 लेफ्ट ओवर रहते हैं, उन 3 लेफ्ट ओवर में से हम सिंगल सिंगल पोस्ट करेंगे। जैसे एक पिक्चर सेलेक्ट कर लिया उसके साथ कैप्शन, तो आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो अपनी जितनी भी पोस्टिंग है। और स्टोरीज पे एटलीस्ट 4 स्टोरीज आपको दिन में डालनी है विद 2 या 3 घंटे के गैप में। जैसे एक सुबह 9 बजे डाला, फिर 12 बजे, फिर 3-4 बजे, फिर शाम को डाल दो, ऐसे 3-3 2-2 घंटे के गैप में आपको डालनी है। ये इंस्टाग्राम में आप अपना मींस फॉलोवर्स को इंक्रीज करने के लिए? हाँ, फॉलोअर्स इंक्रीज करना है, प्रोफाइल विजिबिलिटी इंक्रीज करनी है, एक अच्छी प्रोफाइल बनाने के लिए। मींस ये रेगुलर बेसिस पे ही आपको करना है 90 डेज तक, कि बीच में भी स्किप करके कर सकते हैं? स्किप देखो, अगर कोई इमरजेंसी होती है, लेट्स से कि आप नहीं कर पाए, ठीक है, तो एक एक्सेप्शनल केस है, नहीं तो आपको इसको 90 डेज तक तो एक रूल बना के फॉलो करना है। प्लस अगर आपको लगता है कि आप ट्रिप पे जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, किसी वेकेशन पे जा रहे हैं, तो जो फेसबुक का पार्ट मैंने कल शो किया था उसमें से आप स्केड्यूल कर सकते हैं। अगर आपको उसमें फेसबुक में फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करेंगे, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक लिंक करने का कल मैंने आपको ऑप्शन ऑलरेडी दिखा दिया था। कल का जो सेशन का रिकॉर्डिंग मैं आज शेयर कर दूंगी दोनों, और उसको हम साथ में पोस्ट कर सकते हैं। दोनों इंस्टाग्राम की पोस्टिंग और फेसबुक की एक पोस्ट बनाई, दोनों को स्केड्यूल कर दिया, जितने भी दिन की पोस्ट स्केड्यूल करनी है आपको। एनी मोर क्वेरी? बाकी इसके जैसे इंस्टाग्राम सिर्फ यहीं पे एंड नहीं होता है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लास्ट के जो हमारे क्वेरी सेशन और डेस्क ओवर सेशन होंगे उसमें कवर करेंगे। ये जस्ट बेसिक है, आपका एक बार बेसिक कवर हो जाएगा। आप इसको एक बार रेगुलर में लाओ, इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाओ, पोस्टिंग करो, एंड आफ्टर दैट हम इसमें और एडवांस टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करेंगे। So let's end the session over here. Have a nice time ahead. Thank you.